जय जिवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा ये है कि बुध मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने किया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बुध मेष राशि में 31 मार्च दोपहर 2:59 पर प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर वो बहुत दिनों के लिए रहेंगे, मतलब पूरा अप्रैल, पूरा मई और लगभग ये 2 महीना 6 दिन का पीरियड है। 7 जून को जाके बुध जो है ये वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध की मूवमेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 21 अप्रैल को, मतलब के 31 मार्च को जब ये चले जाएंगे मेष राशि में, तो यहाँ पर फिर बराबर 20 दिन बाद 21 अप्रैल को ये वक्री होने वाले हैं और फिर जाकर ये 15 मई को मार्गी होंगे। 24 दिन का पीरियड होगा जब बुध वक्री रहेंगे और इसी दौरान जो है 15 मई को मार्गी होने के बाद इनको ज्वाइन कर लेंगे 23 अप्रैल से गुरु। अब गुरु जो है मेष राशि में प्रवेश करके गुरु चांडाल योग बनाएंगे। याद रहे कि मेष राशि में पहले से राहु विराजमान है और यहाँ पर राहु, बुध और गुरु का योग रहेगा। गुरु जो है 7 जून तक वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका मतलब गुरु के साथ जो ये बुध का संयोग रहेगा ये 23 अप्रैल से लेकर 6 जून तक रहेगा। इसका मतलब 1 महीना 14 दिन तक बुध जो है गुरु के साथ भी रहेंगे। अब यहाँ पर ये कहानी खत्म नहीं होती है, इसके पहले भी एक कहानी है। ये वो कहानी है कि बुधादित्य योग भी बनने वाला है और 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उच्च के होने वाले हैं सूर्य। हालांकि वहां पर राहु बैठा हुआ ग्रहण योग बनाता है सूर्य के लिए, और सूर्य, बुध और गुरु ये कॉम्बिनेशन 23 अप्रैल से चलेगा, राहु भी साथ में है, तो एक चतुर्ग्रही योग बनाएगा ये कॉम्बिनेशन। इस बीच आप समझ लीजिए 14 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक, मतलब लगभग जो है 9-10 दिन का जो पीरियड है, यहाँ पर बुधादित्य योग रहेगा और उसके बाद गुरु भी शामिल हो जाएंगे इनके साथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेष राशि में पहले से राहु था, फिर बुध आ गए, बुध 31 मार्च को आ गए, 7 जून तक वो वहीं पर रहे। इसी बीच जो है पहले सूर्य ने एंट्री मार दी 14 तारीख को, फिर इसके बाद 23 तारीख को गुरु ने एंट्री मार दी, तो बुध, राहु, गुरु, सूर्य सब के सब मेष राशि में हो गए। अब यहाँ पर सिर्फ बुध का प्रेडिक्शन नहीं होगा, यहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग क्या असर डालते हैं इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। अब याद रहे कि बुध यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा। एक तो ये समझ लीजिए कि बुध जो है वो मेष राशि के जो लग्नेश हैं, राशेश हैं, मंगल उसका परम शत्रु है और बुध जो है बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आ जाता है जब वो मेष राशि में जाता है। बुध क्या है, बुध जो है अपने आप में आपकी भाषा है, आपकी वाणी है, आपके ख्यालात हैं, आपका बिजनेस है, आपका माइंड है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपके व्यवसाय है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपके दिमाग में जितना यांत्रिकीकरण का ज्ञान है वो है। बुध जो है संचार का माध्यम है और बुध जो है वो संसार में पूरी हरियाली है। फिर आपके जीवन में बुध जो है आपकी बहन भी होता है, बुध जो है आपके जीवन में आपकी स्किन है, आपके नाक, कान, गला, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके फेफड़े, आपके क्या कहते हैं किडनी और आपके हाथ, आपके जंगा, आपके छाती, इन सब पे भी उसका आधिपत्य है।
तो बुध एक बहुत ही वाइड एस्पेक्ट में आपके जीवन पर असर डाल रहा होता है। और ऐसे में होता क्या है, बुध जो है वो शत्रु राशि गत जब जाता है वहां पर उसे एक मित्र मिलता है जिसका नाम है राहु। और राहु और बुध मिलके अपनी जो है अपनी बची हुई जो एनर्जी है वो संभालते हैं। राहु ने यहाँ अंगारक योग बनाया हुआ है, बुध जो है वो वायु तत्व है, लेकिन राहु किसे मैत्री होने के कारण यहाँ पर अनकंफर्टेबल कम है। इतने में एक दूसरा मित्र आता है जिसका नाम है सूर्य। फिर दो मित्र मिलते हैं, लेकिन जो सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है वो जो है ग्रहण योग बनाता है। तो एक सब कंफ्यूजन वाला सीन है। इसी में एक जीव ग्रह आ जाता है जिसका नाम है गुरु। और गुरु जो है वो सूर्य का मित्र है और राहु का परम शत्रु है और इसके साथ साथ बुध का भी शत्रु है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पर दो मित्र दो शत्रु के साथ साथ बीच में भी एक दोस्ती है बुध और सूर्य की, जो के आपस में बैलेंस बना के चलेंगे। एक घर में अगर चार पांच लोग डाल दो जो आपस में शत्रु मित्र होते हैं तो वो एक दूसरे की बात को संभालते रहते हैं, बात को बिगड़ने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मंगल इन दिनों जो है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल के मिथुन राशि में बैठने से ये जो मेष राशि है इसका लग्नेश राशि जो है वो मंगल है और वो बुध के घर में जाके बैठा हुआ है इतने दिनों से। तो वो मंगल जो बुध के घर में बैठा है वो यहाँ पर क्या असर हो जाएगा, बुध जो है वो मंगल के घर चला जाएगा और मंगल जो है वो बुध के घर बैठा है। तो एक तरीके का परिवर्तन योग भी यहाँ बना हुआ है। तो तू मेरी संभाल ले घर, मैं तेरा घर संभाल लेता हूँ, ऐसे वाला हाल है। तो यहाँ पर सब केओस है, कोई बुरा असर नहीं होने वाला क्योंकि ये एक दूसरे की रक्षा करेंगे, लेकिन ये जिन भावों पर बैठे होंगे वहां के लिए केओस कर देंगे। मतलब हर लग्न हर राशि के लिए, मेष से लेके मीन लग्न के लिए, मेष से लेके मीन राशि के जिन भावों के लिए ये बैठे हैं वहां उन भावों के जो 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 कर्तृत्व है जो उसका काम है जिस भाव का, उधर ये केओस उत्पन्न करेंगे और उसी का उपाय आपको करना है। और उपाय मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपको उपाय क्या करना है। तो हर राशि के लिए एक उपाय दो उपाय बताऊंगी मैं। और ये भी बता दूं कि अब ये बुध को जो है कंफर्टेबल नक्षत्र मिल रहे हैं। यहाँ पर मजेदार बात ये है कि बुध 31 मार्च को केतु के नक्षत्र में रहते हुए ये आगे बढ़ते हैं मेष राशि में जाने के लिए, जहां पर ये 7 दिन केतु के नक्षत्र में रहते हैं और अनकंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि कुछ वक्त केतु मंगल की तरह केतु व्यवहार करता है और बुध उसमें अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये 8 अप्रैल को जो है ये भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र इनका परम मित्र है। हालांकि बड़ी मजेदार बात बताऊं, मिथुन राशि कन्या राशि वालों को कभी कभी भरणी नक्षत्र भी नहीं सुहाता है, लेकिन फिर भी शुक्र के घर में बुध कंफर्टेबल रहते हैं और भरणी नक्षत्र में रहते हुए ये वक्री भी हो जाएंगे मार्गी भी हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो बुध का बार बार वक्री मार्गी होना अस्त होना उदित होना ये शुरू रहता है क्योंकि वो बुधादित्य योग बनाते रहते हैं साथ में और उदय अस्त होते रहते हैं सूर्य के नजदीक जा जाकर। और 5 जून को ये कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में ही चले जाएंगे। तो बस ये समझ लीजिए इनके पास जो है 8 अप्रैल से लेके 5 जून तक का समय है जब ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर बुध को 3 ग्रहों का सपोर्ट हो गया, बुध को राहु का सपोर्ट हो गया, बुध को नक्षत्र के स्वामी शुक्र का सपोर्ट हो गया, बुध को सूर्य का सपोर्ट हो गया। तो बुध का क्या बिगड़ेगा, बुध का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन योग बना हुआ है ये भी ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों सावधान रहिए, आपके लग्न में मंगल आया हुआ है, तबीयत की खबरदारी आपको रखनी है। चलिए पहले तो मैं मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए संक्षेप में बताऊंगी अब फटाफट के आपको क्या असर होने वाला है। मेष लग्न वालों के लिए बुध जो है आपके जाकर बैठे हैं ये आपके लग्न में ही और केओस बनाते हैं। तो अब आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अपनी तबीयत के लिए कर लूं, डायग्नोस के लिए कर लूं, पर्सनालिटी के लिए कर लूं और काम के लिए कर लूं और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के लिए कर लूं। लेकिन काम क्या होता है, बहुत सारे काम एक साथ करो तो आप घबरा जाएंगे और ये घबराने वाली स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप गणेश जी की आराधना करें, आपके लिए बेहतर उपाय सबसे अच्छा है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। साथ साथ बुध की जो सप्तम दृष्टि है और इन ग्रहों की सप्तम दृष्टि आपके पड़ती है आपके सप्तम भाव पर भी,
तो बाकी ग्रहों की बाद में करूंगी। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, वो तुला राशि है, तो आपके विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट रहेगा, व्यावसायिक पार्टनर का फुल सपोर्ट रहेगा आपको। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के लिए द्वादश में ये सारी मंडली बैठ गई, और द्वादश में मंडली होती है तो क्या होता है, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटलाइजेशन या कोई केसेस वगैरह सब एकदम सर उठाते हैं, लेकिन इतना कुछ बिगड़ने वाला नहीं, सब एक दूसरे को बैलेंस बना के चलेंगे, जैसा कि मैंने समझाया शुरू में। और ये एक बात संभालनी है आपको, खर्चों पर कंट्रोल, ये भी बिजनेस फॉरेन में कर दूं, वो भी कर दूं, ये भी एडमिशन ले लूं, वो वीजा ले लूं, वो ग्रीन कार्ड ले लूं, सब कुछ स्लो होना चाहिए, सब कुछ आराम से होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं पालनी। प्रेम संबंधों में आज ये कह दिया, कल वो कह दिया, परसों ऐसे बिहेव कर लिया, फिर उसके बाद कुछ और बिहेव कर लिया, ये नहीं चलेगा। थोड़ा अपने स्वभाव पर कंट्रोल करिए। और आपको क्या करना है, आपको गणेश जी की आराधना के साथ साथ बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है, हरे कृष्णा के जाप करने हैं, और बुध के सारे उपाय करने में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको कुछ ऐसे काम आपके बैंकिंग रिलेटेड या आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड बनते नजर आते हैं मुझे। मामा पक्ष से सहायता, विरोधियों का कम होना, बुद्धिमत्ता से चलना, ये सब दिखता है। मिथुन लग्न, आपके लग्नेश हैं, लग्न में बैठा मंगल, मंगल के घर में बुध, मंगल के घर में राहु, सूर्य, गुरु कॉम्बिनेशन, चतुर्ग्रही योग आपके बन गया लाभ भाव में। अब आपके लिए ये अच्छा है, सोचिए तो कि आपके घर में मंगल राज कर रहे थे, मंगल को धमकी देने के लिए बुध उनके घर में चले गए, तो एक अच्छा योग यह है कि बुध आपके स्थान बली हैं, लाभ भाव में बैठ के आपको कई सारे काम व्यावसायिक रूप से आपको आगे बढ़ा देंगे। एक क्योस है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, वो ज्यादा हो गया, ये काम हुआ तो वो नहीं हुआ, बहुत भाग दौड़, बेकार की झंझट झमेले, इनसे बचिएगा, लेकिन आपके काम बनने वाले हैं, इतना मैं कह दूं। और बुद्धि तीक्ष्ण चलेगी, बुद्धिमत्ता आपके साथ रहेगी, तबीयत संभालनी पड़ेगी। आपको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन गणेश जी के व्रत, और साथ साथ में आपके लिए अगर कोई उपाय है तो सूर्य को जल चढ़ाना या आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, ये जरूरी रहेगा। पिता समान लोग और ताया चाचा अगर कोई बीमार है तो उनकी तबीयत संभालिए, और उनसे सपोर्ट भी है आपको तगड़ा। अब कोई लोग फॉरेन जाना चाहते हैं आप में से तो जा सकते हैं, लेकिन उच्च कोटि का खर्चा हो जाएगा उसमें। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए अब दशम भाव में केओस है, छिटपुट ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे, ये भी ले लो काम, वो भी ले लो, अधिकता हो जाएगी काम की। दशम भाव में बुध बड़ा अच्छा काम करता है, और जो है ये आपके द्वादश भाव का स्वामी है, आपके पराक्रम भाव का स्वामी जाकर दशम में बैठा, अच्छा है, इच्छा तो बढ़ेगा लेकिन साथ साथ में थकन भी आती रहेगी। आपके पिता समान लोगों की तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखिए, लेकिन वो मदद भी कर रहे हैं काम में, कई सारे काम ऑफर होंगे, सब ले लीजिए, एक एक करके उनको लाइंड अप करिए और करिए, जल्दबाजी मत करिएगा, घबराहट मत करिएगा। माँ का फुल सपोर्ट है, घर बार से सपोर्ट है, सुखों की व्यवस्था है, रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, आपके टेक्नोलॉजी बोलने चालने कम्युनिकेशन के कामों में वृद्धि हो रही है, एंजॉय कीजिए बुध की स्थिति। सिंह लग्न वालों के लिए बुध कारक ग्रह माना गया है, और बुध आपके लिए पैसा होता है, तो ये जो है भाग्य भाव में है, बड़े दिनों बाद एक अच्छी स्थिति आप देख रहे हैं, इतने दिनों से राहु जो है आपको परेशान किए हुए था, वहां पर बुध आ गए, फिर सूर्य आ गए, फिर गुरु आ गए, तो आपके लिए मजेदार स्थिति बनेगी। जब तक बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध आदित्य योग भी बनेगा, आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे सिंह लग्न वालों के लिए, और आपके बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है, बहुत आपकी उनके साथ बिगड़ गई थी, पिता समान लोगों से सपोर्ट मिलता है, उनकी तबीयत खराब थी, बिगड़ गई थी, वो भी आप सुधार लेंगे, बुद्धिमानी से अपना धन बटोरेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, यात्राएं शुभ होंगी। एक अंदरित ये समय आपके लिए अच्छा है, सिर्फ आपको अपना पैसा संभालना आना चाहिए, और पैसे को केसेस विवाद में शिफ्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। कन्या लग्न, आपके अष्टम भाव में ये केओस हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब इतने सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाना, पेट से रिलेटेड समस्याएं, चोटें लगना, या किसी बात से नर्व्स की प्रॉब्लम होना,
मेंटल टेंशन देना या आपको बेकार में आपके लग्नेश अष्टम में गए तो आपको कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, सर्दी खांसी जुकाम या फेफड़ा नज़ला वगैरह सिर दर्द, इन सब से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको सॉर्टेड कीजिए, डायग्नोज हो जाएगा। क्योंकि सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन भी बनेगा, गुरु चांडाल योग भी बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा, और आप इन सब योगों से बाहर निकलने के लिए, एक कुछ अच्छे योग हैं कुछ खराब हैं, तो बाहर निकलने के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप और आपको करते रहने नवग्रह की पूजा। अब नवग्रह की पूजा करने से ये सब सुख शांति हो सकती, बुधवार के दिन, और आप बुधवार के दिन कीजिए नवग्रह की पूजा, आपको यहाँ सुख संतोष देगी। और साथ साथ आप क्या करें, आप गणेश जी को बुधवार के दिन नारियल चढ़ाते रहें। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए समझ लीजिए, एक तो लग्न में केतु बैठा हुआ, बड़े दिनों से आपकी पर्सनालिटी अंदर से कैसी अजीब सी हो गई है, आपने बहुत दुख झेला है ढैया में और उससे बाहर निकले हैं, और अब आप वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ दुख झेल रहे थे, आपके दुख कम करने के लिए ये बुध सूर्य गुरु सब आ जाएंगे। अब आपके जो किसी के डाइवोर्स हो रहे थे वो रुक जाएंगे, किसी की शादी नहीं हो रही थी तो बातें चलेंगी, अब बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, व्यवसाय बढ़ेगा, सब अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपके विवाहित जीवन के जो पार्टनर है उनकी तबीयत संभालिए, उसके लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी को नारियल चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन, आपको ये सूट करेगा। और साथ साथ आपके अंदर का उत्साह बढ़ने वाला है, पराक्रम बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस आने वाला है, व्यवसायिक बुद्धि बढ़ने वाली है, तो व्यवसाय की ओर प्रेरित होंगे आप, छिटपुट काम आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी शुरू हो सकते हैं, या जिन विवाहित पार्टनर से आप बिछड़ना चाहते थे वो आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे, विदेश रिलेटेड काम भी आपके बढ़ सकते हैं, भाग्यदकारी संदेश आ सकते हैं, लेकिन आपको चयन नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको करना क्या है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह करना आपके लिए ज़रूरी है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए अब बुध जो केओस बनाते हैं गुरु सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन के साथ षष्ठ भाव में, तो यहाँ पर देखिए राहु अच्छा होता है षष्ठ भाव में, सूर्य अच्छा होता है षष्ठ भाव में, बुध अच्छा होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में, सिर्फ एक गुरु जो है वो प्रॉब्लम में है, उसकी चर्चा आगे होगी। अभी फिलहाल जाने के आपके कई सारे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम बनते हैं, आपके कई सारे काम जो हैं वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं कि मामा पक्ष से कोई काम बिजनेस करें तो ननिहाल से, और आपके बैंकिंग रिलेटेड काम हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं कोई नौकरी के लिए आपने आवेदन भरे हैं तो आगे बढ़िए, और आपकी तबीयत थोड़ी सी संभालने की बहुत ज़रूरत है। गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी है आपको, तो ये आपके लिए सूट करेगा। और बुध के कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल्स खाना और क्या कहते हैं ग्रीनरी पे चलना या प्राणायाम करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा, आपके मेडिटेशन करना, तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव में मंगल है षष्ठ भाव में बुध है, तो ये बड़े परिवर्तन ही हो गए, लेकिन तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। और ये आपके द्वादश भाव को देखेगा बुध, जो उसकी नीच की दृष्टि बन जाएगी, तो आप विदेश रिलेटेड काम भी संभालिए, हालांकि काम बढ़ने वाला है, आपके प्रेम संबंधों के साथ बिगाड़ा मत कीजिए। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए पंचम भाव में ये चतुर्ग्रही योग बनने वाला है जब बुध आएंगे, और बुध बुद्धिमानी के दाता होते हैं लेकिन मंगल के घर में अस्वस्थ होते हैं, याद रहे मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, बुध की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो कहीं न कहीं पर बुध अपनी खोपड़ी तो चलाएंगे कि पैसा कैसे आए, बहुत कष्ट में है, मानसिक रूप से टेंशन में है, लेकिन ये कमान संभालने के लिए सूर्य भी आ गए गुरु भी आ गए, तो एक केओस को कम करेंगे, माइंड को बैलेंस करेंगे, आपको कुछ कुछ उपाय सूझ जाएंगे क्या करना है, कुछ मित्र सहयोग कर रहे हैं कुछ मित्र नहीं कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनका फायदा उठाइए, जो नहीं कर रहे हैं उनसे स्पेस बनाइए, अभी तक आपने गलत डिसीजन लिए थे थोड़े ही दिन रह गए आपके लिए कि आप अब गलत डिसीजन से मुड़ जाएंगे और आपके सही डिसीजन होना शुरू हो जाएंगे, शादी के योग बनेंगे तो आपको थोड़ा सा संभल के बातें करनी पड़ेंगी, और साथ में बिजनेस के डिसीजन संभल के लेने। अब आपको मैं सजेस्ट करती हूँ नवग्रह की पूजा, आप सूर्य को जल चढ़ाइए और साथ में आप मंगलवार के दिन गणेश जी को नारियल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए ये बुध का प्रवेश जो है चतुर्थ भाव में हो रहा है, जहां पर अनकंफर्टेबिलिटी का आभास होगा उनको,
क्योंकि चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का होता है और मंगल के घर जा रहे हैं। मंगल ऑलरेडी षष्ठ भाव में बैठ के शत्रुअंता योग तो बनाते हैं, लेकिन बुध के घर में होता क्या है कि माँ की तबीयत का अचानक से बिगड़ना या आपको भाग दौड़ घर की कामों के लिए, रेनोवेशन के लिए, पेपरबाजी के लिए या किसी प्रकार से कुछ ऐसे काम है जो आप बनाना चाहते थे अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपको आराधना किसकी करनी है, आपको हनुमान जी को नारियल चढ़ाना है ताकि ये सब व्यवस्था ठीक रहे। बुध के उपाय करने हैं, बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, आप जो है किसी भी कारण आपको बेचैनी हो कभी भी जीवन में, तो मकर लग्न वालों के लिए दुर्गा सप्तशती ही जो है सबसे बड़ा उपाय है। बुध की दृष्टि है दशम भाव पर, तो व्यवसाय तो ऑब्वियस बढ़ने वाला है और नए नए ऑफर्स भी आने वाले हैं, उनको भी ध्यान दीजिए। लोन्स वगैरह लेने में ध्यान रखिएगा, कुछ गलत लोन मत उठा लिएगा, ना किसी गलत आदमी को लोन दीजिएगा और अपनी भी तबीयत का ख्याल रखिएगा। कुंभ लग्न, बुध बहुत अच्छा योग बनाते पराक्रम में जाकर, पराक्रम में चार ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं और बुध यहाँ पर जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते, वो भी स्थान बली हैं, तृतीय भाव जो है उसके कारक हैं और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और बुध यहाँ पर अपना काम करेंगे राहु के साथ, बुधादित्य योग भी बनाएंगे। बुध यहाँ पर अपने जैसे माइंड भी बुद्धि भी बहुत चलने वाली है, तो अपने मित्रों के साथ मिलके, अपने बच्चों के साथ मिलके व्यवसाय को बढ़ाएंगे, यात्राएं दौड़ भाग इसमें समय बीतेगा और आपको अपना खाना पीना और दवाइयां लेकर साथ चलना पड़ेगा। बीच बीच में तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि सर्वोपरि है। बिजनेस बढ़ सकता है, आपके कुछ ऐसे काम जो आपके बच्चों के साथ मिलके करने थे वो हो सकते हैं, और छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव न करते हुए अगर किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी लगती है तो आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें। बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर विजिट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप कृष्ण और काली की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में बुध भी शांत हो और बुध के उपाय करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। काम बढ़ने वाले हैं आपके, तो कामों पर ध्यान दीजिए क्योंकि काम नसीब से बढ़ता है। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में ये बुध का प्रवेश, वहां पर राहु पहले से विराजमान, उसके बाद सूर्य का आगमन, बुधादित्य योग, उसके बाद गुरु का आगमन, तो आपको तरह तरह से धन संचित करने की इच्छा, ये भी पैसा जमा कर दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, लेकिन जो पैसा घर में चाहिए वो चाहिए, जो विवाहित जीवन के साथी को चाहिए वो चाहिए, जो व्यवसाय के लिए चाहिए वो चाहिए। सब पैसा फ्रीज करने से बाद में झगड़े होंगे परिवार में आपके, और आपके विवाहित जीवन में भी झगड़ पट्टी हो सकती है। आपको उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना है, आपको माँ की भी तबीयत का ध्यान रखना है। और याद रखें कि बुध आपके लिए कारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लग्नेश जो हैं वो भी अस्वस्थ रहेंगे बाद में, तो इसलिए आपको गुरु के उपाय करते हुए शिव जी की आराधना करनी है। आपको शिव जी पे हरे मूंग चढ़ाने हैं। बुध के ऐसे उपाय जैसे आप हरी चीज़ों को अपनाना, हरियाली पर चलना, प्राणायाम करना, या हरी मूंग खाना, पालक खाना बुधवार के दिन या बीच बीच में जो आपको सूट करेगा, गणेश जी को नारियल चढ़ाना मंगलवार के दिन ये आपको सूट करेगा। परिवारजनों से मनमुटाव मत कीजिए और किसी भी प्रकार से किसी के साथ गलत भाषा का उपयोग करके अपने पैसों का नाश या ज़्यादा ओवर केयरिंग होकर पैसों के लिए झगड़ेबाजी में मत पढ़िएगा। जो लोग काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग के व्यापार में हैं, बहुत सारे ऑफर्स आने के बाद चूज सही से करके और काम लेते जाइएगा, काम छोड़िएगा नहीं। आपको व्यवसाय में बढ़ाएंगे बुध, लेकिन बड़े ध्यान से हर चीज़ बढ़ानी है, हर एक से रिलेशन मेंटेन करके। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बुध का मेष राशि में जाना, वहां पर फिर सूर्य का आना, वहां पर फिर गुरु का आना और चतुर्ग्रही योग बनना, गुरु राहु बुध सूर्य का क्या असर होगा, ये तो आपको शनि शनि आगे भी बताऊंगी मैं। जब सूर्य जो है प्रवेश करेंगे, जब गुरु प्रवेश करेंगे, गुरु चंडाल योग बनेगा, तब भी बताऊंगी, तब के तब जानेंगे। अभी फिलहाल हम जान रहे हैं कि बुध जो है वो प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में, उसका क्या असर होगा। मैंने मेष से लेके मीन राशि वालों को सबको उपाय बता दिया है, और फिर भी बुध के कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिन लोगों के लिए बुध कारक हैं वो जो कॉमन उपाय हैं वो आप सब कर सकते हैं। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।